तो दोस्तों हाजिर है आपकी डिमांड पर दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक का ट्यूटोरियल। इस गाने को AR रहमान साहब ने कंपोज किया है और साथ में उन्होंने गाया भी है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इनके गाने थोड़े हटके होते हैं, म्यूजिक जो है इनका थोड़ा अलग होता है। तो आज हम इस गाने को भी बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप और नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो शुरू करें, चलिए इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के ए शार्प से। तो इस गाने के लिए जो हमने टोन सेलेक्ट किए वो है एकॉर्डन सेकंड, जिसका नंबर है 066। ये जो पियानो है ये कैसियो का है, जिसका मॉडल नंबर है CTK 2100। तो गाने की जो पहली लाइन है वो है दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। देखिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए अब इसको धीरे धीरे सीख लेते हैं। दिल बे चा रा, ठीक है। दिल कहां से स्टार्ट किया, ए शार्प मिडिल ऑक्टेव के, दिल और फिर बेचारा, ठीक। इसके बाद फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन का मारा, फ्रेंड जोन के लिए दो बार जी और का के लिए ए, और मारा, मारा कैसे डी एफ मारा, ठीक। तो सिंगल फिंगर से एक बार कंटिन्यू देखिए, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, ठीक। अब इसके बाद है दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। तो लिरिक्स तो सेम है, बोल जो है वो तो बिल्कुल सेम वही के वही है, मगर नोटेशन इसमें चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या होगा इसमें, दिल बेचारा जो है वो तो सेम प्ले होगा, ठीक, इतना सेम है, इसको सिखाने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद जो फ्रेंड जोन का मारा है वो चेंज हो गया है, उसको देखिए ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, फ्रेंड जोन का और मारा, ठीक है, फ्रेंड जोन दो बार जी और का के लिए जी और मारा के लिए ए शार्प ए। तो ये हो गया दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। इसको भी सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देखिए, ठीक, ये अंतर हो गया इसमें। अब इसके बाद फिर से है फ्रेंड जोन का मारा। तो ये कौन सा वाला है, ये जो हमने पहले सीखा था फ्रेंड जोन का मारा वैसे, ठीक है, ये वाला पहले वाले की तरह, ठीक। तो यहां पे लास्ट में हमें क्या करना है, फ्रेंड जोन का हमारा प्ले करना है, वो रिपीट कर देना है जैसे हमने पहले सीखा था, ठीक। तो क्लियर हो गया, एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले दिल बेचारा फ्रेंड जोन का हमारा, ठीक। इसके बाद फिर से करेंगे दिल बेचारा फ्रेंड जोन का हमारा, अब थोड़ा चेंज देखिए, ठीक। और इसके बाद हम बजाएंगे फ्रेंड जोन का मारा वैसे ही जैसे हमने पहले बार बजाया था, ठीक। तो इस तरह से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लाइन है, कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं। देखिए ठीक है, इस तरीके से प्ले करना है। अब एक एक लाइन करके देखते हैं, पहले देखिए कोई तो बता दे क्या करूं, पहले ये देखेंगे स्टार्ट होगी मिडिल ऑक्टेव के ए नोट से, कोई तो बता दे क्या करूं, कोई, ठीक है, कोई के लिए ए और डी, ए है मिडिल ऑक्टेव में और डी पहुंची हमारा हायर ऑक्टेव में, तो कोई के लिए ए और डी। इसके बाद तो के लिए भी डी, फिर बता दे क्या करूं, बता दे तीनों में ए, बा और ता और दे, ठीक, तीन ए बता दे। अब क्या, क्या के लिए जी आ गया, फिर करूं, करूं के लिए एफ और ए, ठीक है। तो इसको देखिए सिंगल फिंगर से, कोई तो बता दे क्या करूं, ठीक। इसके बाद कोई बता दे क्या करूं, तो लिरिक्स जो है सेम ही है, इसमें तो नहीं लगा हुआ है, बस पहले जो हमने सीखा था उसमें तो था, इसमें कोई बता दे क्या करूं है, तो नहीं है, ठीक है। और इसके नोट्स भी चेंज है, देखिए इसको पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूं, कोई बता दे क्या करूं,
ठीक है। चलिए इस लाइन को भी स्लो देखिए, ये भी स्टार्ट होगी मिडिल ऑक्टेव के ए नोट से, वहीं से। तो कोई कोई इसमें भी सेम है, कोई के लिए ए और डी, ठीक है। अब बता, बता अलग हो गया, बता दो बार डी, इसके बाद दे, दे आ गया मिडिल ऑक्टेव के ए पर, दे। अब क्या, क्या के लिए जी, अब करूं, करूं के लिए दो बार एफ, ठीक। कोई बता दे क्या करूं, ठीक। और इसके बाद वही लाइन रिपीट कर देनी शुरू वाली, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा, सेम। ठीक, वो रिपीट कर देना है शुरू वाला जो पोर्शन है, ठीक। अब इसके बाद म्यूजिक आता है, तो म्यूजिक देखिए, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें म्यूजिक प्ले करना है, बहुत ही सिंपल है। दो भागों में इसको हम सीखेंगे, दो भाग हैं इस म्यूजिक के। पहला भाग है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा हायर ऑक्टेव के डी नोट से। कैसे, क्या किया हमने, डी ई डी और फिर डी डी ए, कैसे, ठीक, डी ई डी और डी डी ए, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक। और इसको हमको दो बार प्ले करना है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट है वो तो बहुत ही सिंपल है, देखिए बस इतना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी लाइन को हमको चार बार प्ले करना है, तो इसमें क्या है, डी डी जी ई ई सी, क्या करा, डी डी जी ई ई सी, बस इसको हमको चार बार प्ले करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका म्यूजिक कंप्लीट। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या था, इसको हमको दो बार प्ले करना था, ठीक। और इसके बाद ये वाली लाइन हमको चार बार प्ले करनी है, ठीक। तो ये आपका म्यूजिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शुरू होता है अंतरा। अंतरा की जो पहली लाइन है वो है, एल में जोड़ा ओ वी ई, मैं तो लव 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 ही किया। ठीक, ऐसे इसको हम प्ले करेंगे। चलिए अब इसको स्लो देखते हैं। ये स्टार्ट होगा हायर ऑक्टेव के एफ नोट से, एल में जो ड़ा, ठीक। इसके बाद ओ वी ओ वी ई, इसके बाद मैंने तो, मैंने तो लव लव लव, ठीक है, तीन बार लव, लव पहला एफ, दूसरा ई, तीसरा लव डी, लव लव लव। अब इसके बाद ही किया, ही किया, ठीक है, ही आया सी पर और फिर किया सी ए, एंड कहाँ होगा, मिडिल ऑक्टेव के ए पर आकर किया, ठीक। अब एक बार इसको सिंगल फिंगर से देखिए, कंटिन्यू, एल में जोड़ा ओ वी, मैंने तो लव 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 ही किया। अब इसके बाद लाइन है, उसने जोड़ा आई के ई, मेरे को लाइक 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 ही किया। तो जैसे कि आप बोलने से ही समझ गए होंगे, लाइन लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर होगा, देखिए। कुछ भी अंतर नहीं है, सेम ही था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, उसने जोड़ा आई के ई, उसने, दो बार डी आ जाएगा, उसने, ठीक। फिर यहां पर डी एक्स्ट्रा हो गया, बस और कुछ नहीं, उसने, कैसे होगा, उसने, फिर जोड़ा आई के ही, फिर मेरे को लव, ओ सॉरी लाइक, फिर लाइक, फिर लाइक, तीन बार लाइक, मेरे को लाइक लाइक लाइक, ठीक है। पहला लाइक एफ, दूसरा ई, तीसरा डी, वैसे ही जैसे हमने लव में किया था, वैसे ही लाइक में भी, ठीक। इसके बाद ही किया,
तो सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, उसने जोड़ा आई के ई, मेरे को लाइक 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 ही किया। ठीक, और इसके बाद वही स्टार्टिंग वाली लाइन आएगी, दिल बेचारा फ्रेंड जोन का मारा। ठीक, और इसके बाद लाइन है ओ बेबी, ओ बेबी, ठीक है, ई सी ए, ओ बेबी। और इसके बाद, और इसके बाद याद है मुझे तेरा बर्थडे डे डे। तो ये कैसे होगा, याद है मुझे तेरा बर्थडे डे डे, ठीक है। तो पूरी लाइन देखिए सिंगल फिंगर से कंटिन्यू, ओ बेबी याद है मुझे तेरा बर्थडे डे डे। ठीक, और इसके बाद है तेरा बर्थडे डे 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 डे, इस तरीके से सिंपल है, ते रा बट डे 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 डे, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, और इसके बाद लाइन है तू हर साल मेरा बर्थडे भूल 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 जाए रोज। देखिए इतना देखिए पहले, ठीक है। चलिए अब इस लाइन को भी स्लो देख लेते हैं, हायर ऑक्टेव के सी नोट से स्टार्ट होगी ये लाइन, तू हर साल मेरा बर्थडे भूल भूल भूल, तीन बार भूल, तीन बार भूल है, भूल भूल भूल। अब जाए, जाए के लिए जा है ए और जी, और इसके बाद रोज रोज, ठीक, एफ पर आ जाएगा रोज। तो इसके बाद कौन सी लाइन सीखनी है, तेरे कॉल की मैं राह देखूं, इस तरीके से, ठीक है, तेरे रे, ते और रे, कॉल की मैं राह देखूं। ठीक, अब इसके बाद तू एसएमएस भी ना करे, ठीक। तो सबसे पहले तू ऐसे, डी और एफ को ऐसे प्ले करना तू के लिए, ठीक। इसके बाद एसएमएस, डी सी और ए, एसएमएस। इसके बाद भी ना करे, ठीक, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक। अब इसके बाद तू मुझे मिस भी ना करे, तो ये भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है, देखिए इसको यहाँ से उठा लिया एफ नोट से, तू मुझे मिस भी ना करे, बिल्कुल सेम है, बस आपको यहाँ से उठाना है एफ नोट से, बाकी बिल्कुल सेम है, बस तू में क्या करना है, सॉरी पहले हमने डी से तू करा था, अब हम एफ से तू करेंगे, F D F, ठीक, पहले हमने क्या किया था D F, मगर अब F D F, ठीक, बस इतना अंतर है तू में, तो तू मुझे मिस भी ना करे। करेक्ट, अब इसके बाद क्यों मुझे मिस भी ना करे, ठीक, तो ये भी सेम ऐसे ही, ठीक। और इसके बाद होता है, तो इस लाइन को भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूं, जबकि इसमें नोट्स जो है काफी जिगजैग हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ठीक है, क्या करना है, ए शार्प सी डी सी, ए शार्प ए जी
एफ, बिल्कुल सिंपल बजाना आपको ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप बिल्कुल इजी वे में आराम से बजा सकते हैं। ठीक, और बस इसके बाद आपको वही रिपीट कर देना है, स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।